जैसे कि मैंने आपको बताया, आई गॉट माई ट्राइसेप इंजर्ड इन माई लास्ट ट्रेनिंग सेशन। सो आपने वो अगर वीडियो नहीं देखा तो वो देख लो, उसकी लिंक आपको यहाँ पे आ रही होगी। एंड उसके पहले का भी वीडियो देखो, इट्स ट्रेनिंग विद 1RM इक्विपमेंट्स, उसकी भी लिंक आपको यहाँ पे आ रही होगी, एंड लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन टू। सो आपने इससे पहले ब्लॉग्स में भी देखा होगा कि मुझे ट्राइसेप को इंजरी हुई थी, नॉट जस्ट सिंगल ट्राइसेप, बोथ द ट्राइसेप्स, एंड वो इंजरी हील भी हुई थी। मैंने एक डॉक्टर को पूछा भी था तो उन्होंने बोला था कि मुझे टेनिस एल्बो हुआ है, सो यहाँ पे टेनिस एल्बो रहता है एंड दिस इज मच कॉमन कंडीशन। सो मुझे लगा इतना कुछ नहीं है, मैं मेरे हैंड्स में एक टेनिस एल्बो का सपोर्ट भी पहनता था जस्ट टू गेट दैट रिलैक्सिंग फीलिंग। बट आफ्टर फ्यू डेज द पेन केम बैक, मुझे फिर से यहाँ पे पेन होना चालू हुआ। ये मूवमेंट पूरी तरह से रिस्ट्रिक्ट हो रही थी बिकॉज यहाँ पे बहुत पेन हो रहा था। I couldn't lift my hand without taking support from another hand. And because of this injury, मुझे pull movements में भी बहुत तकलीफ हो रही थी। While doing rows, मुझे barbell जब मैं ऐसा unrack करता था, then यहाँ पे ऐसे stretch होने की वजह से इतना pain होता था। I couldn't lift just 50 kgs. मुझे 50 kgs lift करने में भी बहुत pain हो रहा था। And they are like warm-up sets for me. So I finally decided to go to physiotherapist and get diagnostic done. सो मैंने उस दिन इतना रिकॉर्ड नहीं किया था बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू लिफ्ट माई हैंड अप एंड होल्ड द फोन टू रिकॉर्ड, एंड मुझे इतना पेन हो रहा था कि आई वॉज नॉट इन द कंडीशन टू रिकॉर्ड। बट मैंने थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड किया है जो कि आपको आगे बी रोल्स के स्टाइल में दिख जाएगा। सो आई एम गोइंग टू टेल द होल स्टोरी कि कैसे मुझे ये इंजरी हुई एंड वॉट आई वेंट थ्रू, सो जितना भी मैंने शूट किया था उस दिन। सो लेट्स कंटिन्यू विद इट। जस्ट लुक हाउ मच यहाँ पे बाहर फॉग हुआ है, लिटरली 100 meters के आगे का कुछ दिख नहीं रहा। दिस बिल्डिंग्स वर क्लियरली विजिबल बिफोर बट दे आर नाउ, सो भी धीरे धीरे जाना पड़ेगा, चलते हैं अभी तैयार होके फटाफट। कितना मौसम दिख रहा है। विजिटिंग फिजियोथेरेपिस्ट आई केम बैक होम एंड उसके बाद मैं जिम को गया। आई डिड अ लोअर बॉडी सेशन एंड जो मुझे मेरे फिजियोथेरेपिस्ट ने एडवाइस किया, जो बताया वो आपको मैं जिम से आने के बाद बताऊंगा। सो सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय द डिड। द ट्रुथ इज अ डैम हार्ड पिल टू स्वॉलो, आई एम रीचिंग आउट बट ऑल आई फील इज हॉलो। Is a damn hard pill to swallow. फाइनली बैक फ्रॉम द जिम, तो आपको मैं अभी आगे की स्टोरी बताता हूँ जो मेरे फिजियोथेरेपिस्ट ने बताई थी। दे वर लाइक मुझे माइनर टीयर भी हो सकता है या फिर थोड़ी सी स्वेलिंग भी हो ही रहेगी, सो मुझे इतनी इरिटेशन हो रही है एंड इट विल हील आफ्टर सम टाइम। मुझे मूवमेंट थोड़ी थोड़ी करनी है, मुझे पुश मूवमेंट्स में ज्यादा वेट लिफ्ट नहीं करना एंड आई हैव टू डू क्रायोथेरेपी एंड अल्ट्रासाउंड थेरेपी, सो आई विल बी जस्ट फोकसिंग ऑन माई रिकवरी। आपको आगे के ब्लॉग में पता चल जाएगा कि हाउ आई गेट रिकवर्ड, क्या क्या मैं यहाँ पे करता हूँ। सो मैं आपको दिखाऊंगा कि इस थेरेपी में मैं क्या क्या करता हूँ, इस ट्रीटमेंट में मैं क्या क्या करता हूँ, हाउ माय हीलिंग प्रोसेस गोज एंड मेरे वर्कआउट में भी थोड़ा चेंज आने वाला है। सो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट दैट टू। मैं मेरे पुल मूवमेंट्स एंड लोअर बॉडी पे ज्यादा फोकस करने वाला हूँ इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन माय पुश मूवमेंट्स।
So all the upper body push movements will get a bit neglected, like my triceps, shoulders and chest. So itna kuch farak nahi padne wala. I will be focusing on isolation movements rather than compound lifts because usse mujhe thoda sa pain kam hoga and mujhe chest and shoulder ko grow karne mein thodi si madad ho jayegi. So they will not lag behind. So not much to worry. Mujhe bas thoda sa healing pe focus karna padega. So thoda sa mera focus push movements पे नहीं रहेगा, but I will be focusing on upper body pull movements and lower body, so the progress and our gaining series will not get affected much. But आपको इससे बहुत knowledge भी मिलेगी कि what should you do after getting injured. So अगर आपको छोटी सी injury है, don't just give up. थोड़ा थोड़ा exercise करो, that will help you. Slow progress is better than no progress. So थोड़ी थोड़ी exercise करते रहो. And I'm going to do the same. आपको मैं आगे के vlogs में बताते जाऊंगा, जिससे कि आपको सब समझ में आएगा. This was all about the video, guys. अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना and share with your friends. I make fitness related content like vlogs, informative videos, recipes, etc. अगर आपको वो videos देखने हैं, then the best videos will be here. So go watch them out and जल्दी मिलते हैं next video में.